ये पूरी रात भटकता रहा एक मतलब एक भूत भटकता है ना ऐसे कभी यहाँ से वहाँ ऐसा भटकता रहा सही बात है। तो आज हमारा डे वन है तो हरिद्वार स्टेशन पर अभी हम पहुंच गए हैं, अभी अभी उतरे हैं, जब 10-15 मिनट हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, चाय नाश्ता वगैरह करेंगे तो उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। प्लान तो है हमारा अभी ऋषिकेश जाने का, पहले गंगा स्नान करेंगे फिर आगे डिसाइड करेंगे। तो अभी जो है हम बस से ऋषिकेश जा रहे हैं, अभी बस वगैरह ढूंढ रहे हैं तो बस से ऋषिकेश जाएंगे, बाकी आपको आगे का रास्ता वगैरह। अभी हम लोग जो है ऋषिकेश के लिए बस में बैठ गए हैं। ये अगर आप लोग टेम्पो से जाते हो तो टेम्पो से 70 से 100 रुपये लगभग आप ऋषिकेश में किराया ले लेंगे। अगर टेम्पो से आप जाते हो तो टेम्पो में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर बस से जाओगे तो बस से मात्र जो है आप काफ़ी जल्दी पहुँच जाओगे। तो हमने अब जो है टिकट ले लिया है, तो बस में हमारा जो सभी का 5 जने का जो टिकट पड़ा है 250 रुपये पड़ा है, 50 रुपये पर हेड, जो कि काफ़ी सस्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोड है, ये बस जो है कौन सी है, उत्तर प्रदेश बस है, रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज बस है। और बस में जो है बिल्कुल भी भीड़ नहीं। ड्राइवर के पास जाके बैठते हैं।
तो अभी हम जो है करीब आधे से पौने घंटे के अंदर ऋषिकेश पहुंच गए हैं। तो अभी हमारा आकाश भाई बताएंगे कि आगे कहाँ जाना है। बताओ भाई कहाँ चलना है हमको? अभी लक्ष्मण झूला राम झूला चलना है। और पर एक चीज कमी हो गया, रिवर राफ्टिंग बंद हो गया, जिसका जो सोच क्या है खेद हो गया, असुविधा के लिए खेद के लिए। चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों अभी हमने जो है ऑटो किया है, तो अभी हमने किया ऋषिकेश बस स्टैंड से राम झूला तक जो है 10 रुपये पर हेड लेता है, मात्र 5 से 7 मिनट में पहुंचा दिया उसने। ऋषिकेश बस स्टैंड से राम झूला तक जो है आपका 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप लोग पैदल भी आना चाहो तो पैदल आ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो में भी आ सकते हो। वो अभी नहीं बनाई है, वो नहीं बनाई है। कहाँ वो वाली ना? वो कहाँ गई पहले वाली? पहले वाली इस एरिया में लगा ना, देखा है 2013 में आया था मैं बाढ़ के बाद। पानी लेते हैं यार। मैं कह रहा हूँ अपने दोस्तों बी केयरफुली, काफी ठंडा पानी है। नहाने में तो बड़ा मजा आएगा रे। जो है सामने आपका राम झूला है, आकाश भाई राम झूला है ना ये सामने? जी भाई जी। तो अभी यहीं से हम जाएंगे सामने, स्नान वगैरह करेंगे, फिर आगे का सामने स्नान करेंगे, फिर आगे का ट्रिप देखेंगे। प्लान तो ये है नीलकंठ जाएंगे, नीलकंठ देखते हैं कैसे जाते हैं हम लोग। ओ दोस्तों तो अभी हम जो है राम झूला पे चलने वाले हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अरे आ जाओ, तो आ जाओ, तो आ हिल रहा है भाई, ये तो हिल रहा है भाई, मेरे को तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। और बताओ भाई क्या है आज के बारे में? मैं तो भाई समझ
सबसे बड़ी आज भाई अभी हम यहाँ से स्नान करेंगे। वो तो बता दिया। स्नान करके फिर हम नीलखंड की यात्रा पे निकल जाएंगे पैदल। गाड़ी पैदल देखते हैं, जैसे अगर कुछ बंदे कहेंगे कि हमको गाड़ी से चलना है तो गाड़ी से चल लेंगे, अगर जो बंदे पैदल चलना चाहेंगे तो पैदल चल लेंगे। अपने मतलब स्नान के बाद ही कंफर्म डिसाइड होगा जी भाई कि पैदल चलना है या गाड़ी से। अबे भाई एक जगह खड़ा हो तो ऐसा लग रहा है ये हिल भी रहा है। गमला चला गया ना तो एक जगह यही बहन तो WWE हो जाएगी। नहीं डूबे नहीं था, गर्दन तक पानी आ गया था भाई। बह गई थी मेरी थी। बस बह गई थी ना, टूट के रिप्लेस किए दोबारा। देखो पानी जो है काफी लेवल उसके ऊपर आ गया था। गंगा जी का पानी तो अभी इस तरीके से बालू को हटाया जा रहा है।